आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है, अ लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। अ स्पाउट लोकेटेड एट 10 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक, 10 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक है ये जो स्पाउट है, इज देन ओपेंड एज शोन इन फिगर। With what speed will water emerge from the spout? तो कितना स्पीड के साथ वाटर स्पाउट से निकलेगा वो हम लोग को पूछ रहे हैं। देखो ये है हम लोग का डायग्राम क्वेश्चन में, तो ये कंटेनर है या टैंक है विच इज़ फिल्ड विद वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। ठीक है, तो ये 15 मीटर तक हम लोग ने इसको फिल कर दिया है। अ स्पाउट इज लोकेटेड एट 10 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक, तो ये है हम लोग का बॉटम ऑफ द टैंक, तो 10 मीटर का ऊपर हम लोग का स्पाउट है। ठीक है, सो दिस इज द स्पाउट। ओके, ये है हम लोग का स्पाउट, या फिर ये दिस इज क्या होल भी हम लोग कह सकते हैं, जो भी कहना चाहो, या टैंक भी कह सकते हैं। नाउ इट इज ओपन, यहाँ पे हम लोग को कह रहे हैं उसको हम लोग ने खोल दिया। नाउ विथ व्हाट स्पीड विल वाटर इमेज फ्रॉम द स्पाउट, तो इस पॉइंट से हम लोग का कितना स्पीड के साथ वाटर निकल रहा है वो हम लोग को पूछ। तो ये जो सेक्शन है जिससे हम लोग का वाटर निकल रहा है, इसको मान लेते हैं सेक्शन को, इस सेक्शन को टू, सेक्शन टू, और ये जो सेक्शन ऊपर वाला सेक्शन है जो सरफेस वाटर सरफेस, इस सेक्शन को हम लोग मान लेते हैं सेक्शन वन। ठीक है, नाउ सेक्शन टू से मान लेते पानी जो है वो विच स्पीड वी निकल रहे हैं, और सेक्शन वन में पानी जो है वो हम लोग का स्पीड वी, कैपिटल वी के साथ वो नीचे जा रहा है। ठीक है, सेक्शन वन में जो प्रेशर है वो होगा हम लोग का एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर है, और सेक्शन टू भी हम लोग का क्या है, ये टैप देखो बाहर भी ऐसे पानी गिर रहे, तो दिस इज ऑल्सो एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, तो ये भी हम लोग का इसका जो प्रेशर है वो पी ए होगा। और ये जो डिफरेंस इन, ये जो हम लोग का अभी स्पाउट और ये मतलब ये जो इन दोनों सेक्शन के बीच का जो डिफरेंस है हाइट का, उसको हम लोग मान लेते हैं एच। ठीक है, नाउ हम लोग का देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर दिस, ये जो हम लोग का स्पाउट है दैट इज, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर स्पाउट जो है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए, तो इसको अगर हम लोग ने स्मॉल ए मान लिया, तो ये जो ओपन सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है, नाउ बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू बिटवीन सेक्शन वन एंड टू, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन सेक्शन वन एंड टू, हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इंटू स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी विल बी इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी, तो इससे जो हम लोग कैपिटल वी है वो मिलता है स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू वी। हाँ, अभी देखो ये जो स्मॉल ए है जो स्पाउट का एरिया है वो कंपेयर टू द एरिया ऑफ द टैंक, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक बहुत ही छोटा है। ठीक है, ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए। ठीक है, तो उसका वजह से हम लोग इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही मान सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी वेरी वेरी लेस देन ए, सो वी जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो अगर कैपिटल भी हम लोग का जीरो बन गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों सेक्शन के बीच हम लोग बर्नौली इक्वेशन अभी लगाते हैं, तो बाय बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन वन एंड टू, हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक्शन वन में जो हम लोग का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, देखो यहाँ पे हम लोग का बर्नौली इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, हाफ रो वी स्क्वायर, कैपिटल वी है ये सेक्शन वन के लिए, प्लस नाउ यहाँ पे सेक्शन वन में जो हम लोग का जो रो जी एच होना चाहिए, ठीक है, वो जो हम लोग का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ होना चाहिए वो, अगर इसको ही डेटम लेवल मान लें सेक्शन वन का इस पॉइंट को ही, यहाँ पे एच हम लोग का जीरो हो जाएगा डेप्थ, तो हम लोग का जीरो आएगा, प्लस प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी पी ए सेक्शन वन के लिए। सेक्शन टू के लिए जो जो प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर, प्लस जो हम लोग का यहाँ पे जो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ है वो होगा हम लोग का रो जी एच। ठीक है, क्योंकि बाय डेप्थ ऑफ एच ये हम लोग का, हम लोग नीचे आ गए हैं। ठीक है, सेक्शन टू के लिए सो रो जी एच प्लस प्रेशर एट दैट पॉइंट विल बी ऑल्सो पी ए। ठीक है, एटमोसफेयर से एक्सपोज है पी ए, पी ए पी ए हो गया हम लोग का कैंसिल। ठीक है, ना अच्छा यहाँ पे हम लोग का ना यहाँ पे ये जो h है ये हम लोग यहाँ पे जो कि हम लोग डेप्थ को नीचे की तरफ हम लोग जाके ले रहे हैं, तो ये हम लोग डेप्थ
यहाँ पे हम लोग एच को हम लोग माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मतलब हाइट जो है वो हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एच को हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग का देखो क्वेश्चन में हाफ रो, ये कैपिटल भी हम लोग ने ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो पकड़ के रखा है, तो ये पूरा चीज़ हम लोग का जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला, हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर माइनस रो जी एच मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इससे हम लोग को मिलते हैं वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू रो जी एच बाय रो बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा तो टू रो रो कैंसिल। तो इससे हम लोग का जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच मिला, तो वी जो है दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर टू इंटू जी इंटू एच। तो इससे हम लोग का वी जो है वो क्या मिलता है, टू इंटू 9.8 इंटू एच जो है डेफ्ट ऑफ दिस पाउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर, ओपन सर्फेस ऑफ द वाटर, वो हम लोग को क्या मिलेगा 15 मीटर माइनस 10 मीटर। यहाँ तक पूरा 15 है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 10 है, तो 15 माइनस 10 विल बी इक्वल टू एच, 15 माइनस 10 मतलब 5 मीटर, ठीक है। तो वी जो है वो हम लोग को मिलेगा 2 5 10 10 इंटू 9.8 98 होगा, 98 को हम लोग 2 इंटू या फिर 9.8 इंटू 5 को हम लोग 49 लिख सकते हैं। 49 का स्क्वायर रूट हम लोग को मिलता है 7 इंटू रूट 2। सो स्मॉल वी जो है वो मिलेगा 1.414 इंटू 7, दैट विल बी इक्वल टू हम लोग का 7 4 28, 7 1 7 9, 7 4 28, 9.9898, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9.89 को हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.9 लिख सकते हैं। सो स्मॉल वी जिसके साथ हम लोग का पानी बाहर निकलेगा स्पाउट से, दैट विल बी इक्वल टू 9.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग का जिस स्पीड के साथ ये पानी बाहर निकल जाता है वो हम लोग ने लिया था स्मॉल वी, विच इज़ फाउंड टू बी 9.9 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।